नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत स्वरम चैनल में आप सभी विद्वतजन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज गुरुजी का संस्कृत स्वरम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। तीसरा जो उल्लास है उसका प्रारंभ किया जाता है। दूसरे उल्लास में लक्षणा के प्रसंग से लक्षणा मूल जो शाब्दी व्यंजना है उसका निरूपण किया गया और अभिधा मूल शाब्दी व्यंजना का भी निरूपण हुआ। अब तीसरे उल्लास में आर्थी व्यंजना का विवेचन किया जा रहा है। प्रारंभिक सूत्र है पहला, अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम। तो तेषाम अर्थाः पुरा प्रोक्ताः पूर्वं कथिताः। तो तेषाम केषाम तो वाचक लाक्षणिक व्यंजक शब्दानाम, तीन जो शब्द हुए वाचक लक्षक और व्यंजक, उनके तीन अर्थ पहले द्वितीय उल्लास में कहे गए। तो पुरा पूर्वम द्वितीय उल्लासे दूसरे उल्लास में तेसाम माने वाचक लाक्षणिक व्यंजक शब्दानाम अर्थाः, कौन अर्थ तो वाच्य लक्ष्य व्यंग्य ये जो अर्थ हैं सो प्रोक्ताः कथिताः प्रकर्षेण उक्ताः विस्तरेण प्रतिपादिताः। ये पहला सूत्र है। इसमें अर्थाः पद की वृत्ति करते हैं, अर्थाः वाच्य लक्ष्य व्यंग्याः। तेषाम ये पद है उसका विवरण करते हैं वाचक लाक्षणिक व्यंजकानाम, वाचकश्च लाक्षणिकश्च व्यंजकश्च इति वाचक लाक्षणिक व्यंजकाः। तेषाम वाचक लाक्षणिक व्यंजकानाम द्वंद्व समास यहाँ है। अब अर्थ पहले कह दिए गए, आगे कहते हैं अर्थ व्यंजकता उच्यते, अर्थानाम व्यंजकता अर्थ व्यंजकता, व्यंजकस्य भावः व्यंजकता, व्यंजकता का अर्थ है व्यंजना, अर्थों की यो जो व्यंजना है व्यंजना व्यापार
वह उच्यते, वह कहा जा रहा है। तो अर्थानाम व्यंजकता उच्यते, व्यंजकता है, व्यंजना व्यापार है, तो व्यापार का कोई न कोई आश्रय होना चाहिए। तो यहाँ व्यंजना का आश्रय बताना है अर्थ को, अतः अर्थ का ज्ञान पहले अपेक्षित है, इसलिए पहले अर्थ बतलाए गए और बाद में अर्थ में रहने वाला जो व्यंजना व्यापार है उसके स्वरूप का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो अर्थानाम व्यंजकता व्यंजना व्यापार यह वर्तते, स व्यापार उच्यते कथ्यते प्रतिपाद्यते, सा व्यंजकता कीदृशी अस्ति, वो व्यंजकता कैसी है, किम लक्षणा व्यंजकता, वो आर्थी व्यंजना जो है उसका लक्षण क्या है, उसका असाधारण धर्म क्या है, ये जिज्ञासा हुई। कीदृशी सा वर्तते अर्थ व्यंजकता इति जिज्ञासायाम सत्याम आह आह वदति, कह आह तो ग्रंथकृत प्रथम उल्लास में जो मंगलाचरण वाक्य के अवतरण में ग्रंथकृत आया तो वही ग्रंथकृत आह ग्रंथकार कहते हैं। अब उसका लक्षण बताते हैं। वक्तृबोधव्य काकूनाम वाक्यवाच्यान्य सन्निधेः प्रस्तावदेशकालादेः वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम योर्थस्यान्यार्थधी हेतुः यः व्यापारः स व्यापारः व्यक्ति ही एव अस्ति, व्यक्ति ही है, व्यंजना भी है। अर्थस्य माने अर्थ का, वो अर्थ वाच्य हो, लक्ष्य हो या व्यंग्य हो, अर्थ का अन्य अर्थ के धी का ज्ञान का जो हेतु है व्यापार, वो व्यापार जो है उसको व्यक्ति कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। अर्थात यह हुआ कि अर्थ जब किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है तो अर्थगत व्यापार जो है उसे व्यंजना कहेंगे। तो अन्यार्थधी हेतु हो, अन्यस्य अर्थस्य धियः अन्यश्चासौ अर्थः अन्यार्थः, एक कर्मधारय समास करेंगे, अन्यश्च असौ अर्थः अन्यार्थः, तस्य अन्यार्थस्य या वर्तते धीः, तो धीः ज्ञानं वर्तते, वो ज्ञान क्या है, अन्य अर्थ का ज्ञान यहाँ है शब्द बोध, अन्य वाक्यार्थ का, अन्य वाक्यार्थ का ज्ञान। तो विवरण कार ने लिखा है अन्यार्थ धी हेतु इति शब्द बोध हेतु
इति अर्थः। तो अन्यार्थस्य अन्यस्य अर्थस्य धियः शाब्दबोधस्य हेतुः यः अर्थस्य व्यापारः। अर्थस्य का अन्वय करेंगे व्यापार के साथ। तो अन्यार्थ धी हेतुः अर्थस्य जह व्यापारः स व्यापारः कहस्ति तस स व्यापारः व्यक्ति ही एव। तो यत और तत में नित्य संबंध होता है इसलिए यह ये जो पद है ये उद्देश्य भूत व्यापार का बोधक है। और सा जो पद आया वहाँ पर तो व्यक्ति वहाँ विधेय है। तो विधेय के लिंग के अनुसार सा वहाँ पर प्रयोग किया गया। स भी हो सकता है कि अन्यार्थ धी हेतु अर्थस्य यह व्यापार है अस्ति। अर्थ का जो व्यापार है स व्यक्ति ही उच्यते भी कह सकते हैं सा व्यक्ति भी कह सकते हैं। क्योंकि उद्देश्य उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान अर्थों में उन अर्थों के बोधक शब्दों में एकता का बोध कराने वाला जो सर्वनाम होता है वह कभी उद्दिश्यमान का लिंग ग्रहण करता है कभी जो है सो प्रतिनिर्दिश्यमान जो विधेय है उसका लिंग ग्रहण करता है। इसके विषय में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। शैत्यम ही यत्सा प्रकृति ही जलस्य इत्यादि जैसे प्रयोग होते हैं। तो सा ये व्यक्ति जो है विधेय उसी के अनुसार लिंग है। तो व्यंजना किसको कहेंगे आर्थी व्यंजना। तो अन्य अर्थ के बोध का कारण जो अर्थ का व्यापार है वह व्यापार ही व्यक्ति या व्यंजना कहा जाता है। इसमें अर्थ की व्यंजकता जो होती है अर्थ में जो व्यंजना व्यापार है उसके सहकारी हैं सहयोगी निमित्त हैं कि ये निमित्त होने पर भी अर्थ पर ही निमित्त होने पर ही अर्थ की व्यंजकता होती है। तो वो निमित्त कौन कौन है। तो पहला वहाँ है वैशिष्ट्यात्। वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य का अर्थ हुआ विशिष्टस्य भावः वैशिष्ट्यम्। जो किसी धर्म से विशिष्ट पदार्थ है संबद्ध पदार्थ है तो वैशिष्ट्य का मतलब हुआ संबंध। संबंध का ज्ञान किसी धर्म से विशिष्ट कोई पदार्थ होता है तो उस धर्म का उसमें वैशिष्ट्य मने संबंध माना जाता है। तो वैशिष्ट्य से तो वैशिष्ट्य का ज्ञान जो है अर्थ की व्यंजकता का सहयोगी है। वो किनका किनका वैशिष्ट्य का ज्ञान सहयोगी है तो वो गिना दे रहे हैं। वक्त्रिबोधव्य काकूनाम। तो यहाँ करेंगे वक्ता च
बोधव्यश्च काकुश्च इति वक्त्री बोधव्य काकवः। तासाम, काकु शब्द स्त्रीलिंग है और ये द्वंद्व समास में अंत में है, इसलिए वक्त्री बोधव्य काकु इन शब्दों से घटित वक्त्री बोधव्य काकु शब्द स्त्रीलिंग माना जाएगा। परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। तो अब अर्थ होगा वक्ता बोधव्य और काकू के वैशिष्ट्य से, अलग अलग कहेंगे तो वक्तुः वैशिष्ट्यात्, बोधव्यस्य वैशिष्ट्यात्, काकोः वैशिष्ट्यात्, काकू के वैशिष्ट्य से। वक्ता कहते हैं किसको? तो पर प्रतीत्यर्थम यह वाक्यम उच्चारयति स वक्ता, जो वाक्य का उच्चारण करता है अन्य को अर्थ बतलाने के लिए वो कहलाता है वक्ता। तो वक्ता कैसा है? काव्य में अनेक पात्र होते हैं तो उनमें वक्ता का वैशिष्ट्य हम जब जानते हैं तभी अर्थ में व्यंजना होती है, माने अर्थ तभी अन्य अर्थ का व्यंजक हो सकता है। इसका अलग अलग उदाहरण मम्मट ने स्वयं दिया है तो उस प्रसंग में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। तो वक्तुः वैशिष्ट्यात्, वक्ता के वैशिष्ट्य से। दूसरा है बोधव्यस्य वैशिष्ट्यात्, बोधव्य के वैशिष्ट्य से। तो बोधव्य का मतलब है यहाँ बोधयितुम योग्यः। बुध धातु है, उससे तव्यत प्रत्यय करेंगे तो बोधव्य बनेगा। बोधव्य का अर्थ होना चाहिए यहाँ बोद्धुम योग्यः, जो जानने योग्य है वो बोधव्य कहलाएगा। जैसे कि अयम अर्थः बोधव्यः अस्ति, यह अर्थ बोधव्य है। तो यहाँ बोधव्य का यथाश्रुत अर्थ ले लें तो असंगति होती है। तो बोधव्य आप समझिए, बोधव्य का अर्थ है बोधयितव्य। बुध धातु से णिच प्रत्यय करेंगे, बोधयति रूप बनाएंगे तब होगा कि बोधयितुम योग्यः, जिसे हम बोध कराना चाहते हैं। तो बोधयितव्य अर्थ है यहाँ बोधव्य शब्द का। यद्यपि बोधयितव्य शब्द में णिच प्रत्यय हुआ है प्रेरणा अर्थ में, किंतु यहाँ बोधव्य शब्द में प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा अर्थ में निच नहीं हुआ है, फिर भी निच का अर्थ यहाँ हम समझेंगे। क्योंकि ऐसे प्रयोग जो होते हैं
तो कहीं दो स्थितियां बनती हैं। कहीं पर होता है कि णिच के नहीं होने पर भी णिच का अर्थ लिया जाता है, तो वहां कहते हैं कि यह शब्द जो है अंतर्भावित न्यर्थ है, णी का अर्थ यहां अंतर्भूत है, भले ही णिच नहीं है। और कहीं होता है कि णिच का प्रयोग होता है और प्रेरणा अर्थ विवक्षित नहीं होता है, तो वहाँ पर कहते हैं व्याकरण में कि निमित्त निवृत्त प्रेषणार्थात धातो णिच, प्रेषण अर्थ जिससे निवृत्त हो गया है ऐसे धातु से णिच होता है। तो यहाँ हमें समझना है कि बोधव्य शब्द में णिच का अर्थ प्रेरणा अंतर्भूत है, अंतर्भावित है। तो बोधव्यस्य अर्थात बोधयितव्यस्य, जिस व्यक्ति को अर्थ बताने के लिए वाक्य का उच्चारण हम करते हैं वो व्यक्ति बोधव्य है। तो बोधव्यस्य वैशिष्ट्यात्, बोधव्य के वैशिष्ट्य से। अगला है काकू, तो काकू कहते हैं कि वक्ता जब वाक्य का उच्चारण करता है, ध्वनि का उच्चारण करता है, तो शोक भय आदि के कारण उसकी ध्वनि में विकार आ जाता है, शब्द में उच्चारित शब्द में विकार आ जाता है। अतः शोक भय आदि के कारण उच्चार्यमान ध्वन्यात्मक शब्द में होने वाला जो एक विकार है उस विकार का ही नाम है काकु। काकु स्त्रियां विकारो यह शोक भित्या दिभिः ध्वनेः, शोक भीति आदि के द्वारा ध्वनि में जो स्वाभाविक उच्चारण है, उच्चार्यमान ध्वनि है स्वभावतः, उसमें कुछ विकार आ जाना। तो हम देखते हैं कि जब हम दुख में रहते हैं तो हम बोलते हैं तो हमारी वाणी, हमारे शब्द होते हैं वो अलग प्रकार के हो जाते हैं। जिन शब्दों को देख सुनने मात्र से कोई अनुमान कर लेगा कि ये दुखी होकर के बोल रहा है, कोई डर कर बोल रहा है तो डर कर एक ही, जैसे कोई बोले व्याघ्र अस्ति तो व्याघ्र अस्ति कहा तो व्याघ्र में यहाँ पर ध्वनि में विकार आ गया, तो ये विकार भय को बता रहा है। यदि उत्साह है उसमें पुरुष में तो व्याघ्र अस्ति तो उत्साह की इसको चलो अब ये व्याघ्र है ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा है तो है। तो ध्वनि विकार को कहते हैं काकुः। काकुः स्त्रियां विकारो जह शोक भित्यादि भी ध्वने है। यहाँ पर काकु शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है कि लौल्य अर्थ में धातु है कक, उससे काक, तो जब वाक काकू बनाया तो काकू से युक्त जो ध्वनि होती है शब्द होता है उस शब्द में लोली भाव माने एक प्रकार के अन्य अर्थ बतलाने के प्रति
उस शब्द में एक चंचलता माने गतिमत्ता आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कु शब्द है और दूसरा है कु शब्द पृथ्वी का वाचक, दूसरा है पृथ्वी भूमि का वाचक वो शब्द है। तो कु शब्द का काय आदेश हो गया ईषद अर्थ में, तो ईषद भूमि ही काकुह, ईषद कुह काकुह, थोड़ी भूमि माने थोड़ा आधार, जहाँ आधार जो होता है अन्य अर्थ के बोध का, तो वो काकु है। तो वक्ता के बोधव्य के और काकु के वैशिष्ट से आगे है वाक्य वाच्यान्य सन्निधे। यहाँ पर वाक्यम च वाच्यम च या वाच्यश्च सामान्य नपुंसकम करेंगे तो वाच्यम रखेंगे, वाच्य वस्तु रख लेंगे। तो वाक्यम च वाच्यम च वाक्य वाच्ये ताभ्याम सहितः, वाक्य वाच्याभ्याम सहितः अन्य सन्निधि। तो पहले वाक्य और वाच्य का हम द्वंद्व समास कर लेंगे, उसके बाद अन्य सन्निधि शब्द के साथ मध्यम पद लोपी समास कर देंगे कि वाक्य वाचक वाच्याभ्याम सहितः यह वर्तते अन्य सन्निधि। अन्य सन्निधि का मतलब हुआ अन्य का सन्निधान, अन्य की समीपता, अन्य ये हुआ वक्ता और श्रोता, ये जो दो हैं उससे भिन्न कोई पदार्थ, भिन्न कोई व्यक्ति जो है उसको कहेंगे अन्य। तो अन्यस्य सन्निधि, अन्य सन्निधि। और वाक्य वाच्याभ्याम सहितः यह वर्तते अन्य सन्निधि, तो सहित शब्द का लोप कर देंगे तो हो जाएगा वाक्य वाच्यान्य वाच्यान्य सन्निधि, तस्य वाक्य वाच्यान्य वाच्यान्य सन्निधे। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मम्मट ने लिख दिया वाक्य वाच्यान्य सन्निधे। यहाँ तीन पदार्थ हैं, वाक्य है, वाच्य है और अन्य सन्निधि है। तो तीनों का यदि हम इतरेतर द्वंद्व समास कर दें तब बहुवचन हो जाएगा, तो होना चाहिए षष्ठी में वाक्य वाच्यान्य सन्निधि नाम। तो इतरेतर द्वंद्व तो मान नहीं सकते यहाँ। यदि समाहार द्वंद्व कर दें कि वाक्यस्य वाच्यस्य अन्य सन्निधेश्च समाहारः, तो समाहार द्वंद्व नपुंसक में होता है तब वाक्य वाच्यान्य सन्निधि शब्द नपुंसक में हो जाएगा, तो नपुंसक इकारांत शब्द का षष्ठी में रूप होता है। वैसा रूप होना चाहिए तो होना चाहिए वाक्य वाच्यान्य सन्निधिनः, जैसे वारी शब्द का वारिणः रूप होता है। तो तीनों का द्वंद्व हम नहीं कर सकते, इसलिए टीकाकारों ने इसका विग्रह किया है कि वाक्यम च वाच्यम च वाक्य वाच्ये
ताभ्याम सहित अन्य सन्निधि वाक्यवाच्यान्य सन्निधि, और सहित शब्द को कुछ शाख पार्थिवादी मान करके लोप मानेंगे। शाख पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, जैसे शाक पार्थिव कहते हैं तो प्रिय शब्द का लोप वहाँ है, शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव। तो अब अलग से करेंगे वाक्यस्य वैशिष्ट्यात् वाच्यस्य वैशिष्ट्यात् अन्य सन्निधेश्च वैशिष्ट्यात्। और प्रस्ताव देश कालादेह, तो प्रस्तावश्च देशश्च कालश्च, प्रस्ताव देश कालाह, तो प्रस्ताव देश कालाह आदयः यस्य समूहस्य पदार्थस्य तस्य प्रस्ताव देश कालादेह। तो यहाँ करेंगे प्रस्तावस्य वैशिष्ट्यात्। प्रस्ताव को कहते हैं, प्रस्ताव का मतलब है प्रसंग, प्रकरण, प्रकरण के विषय में बताया गया था नानार्थक शब्द की अभिधा के नियंत्रण के प्रसंग में कि जो अर्थ वक्ता और श्रोता दोनों की बुद्धि में रहता है तो उस अर्थ को हम कहते हैं प्रस्तुत, प्राकरणिक, और बुद्धि विषयता जो है उसमें वक्त्री श्रोत्री बुद्धि विषयत्व जो धर्म है उसी अर्थ में, उसी का नाम है प्रस्ताव, प्रकरण। पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है कि प्रस्ताव क्या है, प्रकरणम किमस्ति, तो वक्त्री श्रोत्री बुद्धिस्थता, वक्तुः श्रोतुश्च बुद्धि विषयता या वर्तते अर्थगता सा एव प्रकरणम्। और यस्याम तद्बुद्धि विषयता भवति सोऽर्थः प्राकरणिकः प्रकृतः उच्यते। तो प्रस्ताव माने प्रसंग, ऐसे हिंदी में कहेंगे प्रसंग जिसको कहते हैं, किसका प्रसंग चल रहा है। तो प्रस्ताव के वैशिष्ट्य से देश माने यहाँ है स्थान, तो स्थान के वैशिष्ट्य से देशस्य वैशिष्ट्यात्, और कालस्य वैशिष्ट्यात् समय के वैशिष्ट्य से कि कोई अर्थ कोई शब्द किस काल में कहा जा रहा है आदि से चेष्टा का यहाँ पर ग्रहण है कि चेष्टा के वैशिष्ट्य से भी अर्थ की व्यंजकता होती है। तो वक्तुः वैशिष्ट्यात् बोधव्यस्य बोधयितुं योग्यस्य वैशिष्ट्यात्, काकोः वैशिष्ट्यात् वाक्यस्य वैशिष्ट्यात् वाच्यस्य वैशिष्ट्यात् अन्य सन्निधे वैशिष्ट्यात् प्रस्तावस्य वैशिष्ट्यात् देशस्य वैशिष्ट्यात् कालस्य वैशिष्ट्यात् आदिपदेन चेष्टायाश्च वैशिष्ट्यात्। अन्यार्थधी हेतुः यः अर्थस्य व्यापारः, स व्यापारः व्यक्ति ही एव वर्तते, व्यंजना ही वो व्यापार है। तो वैशिष्ट्यात् ये जो है यहाँ पंचमी है वो हेतु अर्थ में
वैशिष्ट का मतलब यहाँ वैशिष्ट जो होता है ज्ञान के द्वारा हेतु होता है, किसका? व्यापार का, व्यंजना व्यापार का। तो अर्थ में रहने वाला जो व्यापार है व्यंजना, उस व्यंजना के ये व्यंजना का ये हेतु हुआ, कारण हुआ। अब यह है कि अन्यार्थस्य धियः हेतुः, तो अन्य अर्थ का जो बोध होगा वो बोध किसको होगा? तो यहाँ कह रहे हैं प्रतिभाजुषाम, जुषी प्रीति सेवनयोः धातु है, तो प्रतिभाम ये जुषन्ते, ते प्रतिभाजुषः। यहाँ प्रतिभा है सहृदय में रहने वाली प्रतिभा, जिसको भावयित्री प्रतिभा कहते हैं, जो एक प्रकार का संस्कार है। सहृदयों में यह संस्कार अपेक्षित है, तभी वो व्यंग्य अर्थ को समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सवासनानाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवेत, जो सवासन होते हैं जिनमें लोक शास्त्र की वासना होती है, लोक शास्त्र का अनुभव वो करते हैं, और अनुभव जन्य जिसमें वासना होती है, वे कहलाएंगे प्रतिभाजुष, प्रतिभाजुष, प्रतिभाजुषो, प्रतिभाजुषः माने प्रतिभावताम, अर्थ है कि प्रतिभा वाले। लोक शास्त्र काव्य आदि के अनुशीलन से जन्य जिनमें संस्कार होता है वे ही सहृदय कहलाते हैं। तो सहृदयों को जो अन्य अर्थ का ज्ञान होता है, उस ज्ञान का हेतु व्यापार है व्यंजना, और वो व्यापार, वो व्यंजना का आश्रय है अर्थ, अर्थ आश्रय होगा। तो काव्य में अर्थ यहाँ शब्द प्रमाण से बोधित होना चाहिए, तभी उसमें व्यंजकता होगी। एक शर्त है, आगे इस पर कहेंगे कि शब्द प्रमाण विद्योर्थ व्यनक्त्यर्थांतरम यतः, तो शब्द के द्वारा वृत्ति से बोधित जो अर्थ है उसी अर्थ में रहने वाली ये व्यंजना है। प्रत्यक्ष दृष्ट अर्थ में ये व्यंजना नहीं होती है। तो प्रतिभाशालियों में जो समझते हैं, लोक का ज्ञान है कि कोई असत चरित्र वाली स्त्री या असत चरित्र वाला व्यभिचारी व्यक्ति कैसे बोलता है, दूसरे को ठगने के लिए किस प्रकार के शब्द का वो प्रयोग करता है, एक सदाचारी कैसे बोलता है, तो लोक का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान जिनको होता है उन्हीं में यह व्यंजना अन्य अर्थ के ज्ञान का कारण होती है। तो प्रतिभाजुषाम प्रतिभाशालिनाम अन्यार्थ धियः, यहाँ पर अन्यार्थ धी हेतु शब्द है, तो अन्यार्थ धी पदार्थ में प्रतिभा शालियों का अन्वय है।
कि प्रतिभाशाली सहृदयों का जो अन्यार्थ बोध होता है, उस अन्यार्थ बोध का कारण अर्थनिष्ठ व्यापार व्यक्ति है, जो अर्थ शब्द के द्वारा प्रतिपादित होता है। तो प्रतिभा भी जो हुई वो भी यहाँ पर सहकारी हुई, सहायक हुई, और ये आर्थी व्यंजना में, अर्थगत व्यंजना में ही सहकारी नहीं है प्रतिभा, अथवा वक्ता बोधव्य आदि का वैशिष्ट्य शाब्दी व्यंजना में भी सहकारी है, लेकिन यहाँ नियमे नव उसकी सहकारिता मानी जाएगी। तो हम आर्थी व्यंजना का लक्षण क्या करेंगे, तो एक वाक्य में कह सकते हैं कि वक्त्रादि वैशिष्ट्य प्रयोज्य प्रतिभाशाली निष्ठ प्रतिभाशाली निष्ठार्थांतर बोध हेतु अर्थस्य व्यापारः व्यक्ति ही मने व्यंजना आर्थी व्यंजना। तो वक्तृबोधव्य काकूनाम वाक्यवाच्यान्य सन्निधेः प्रस्तावदेशकालादेः वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां योर्थस्यान्यार्थ धी हेतुः व्यापारो व्यक्तिरेव सा। इसमें कारिका में प्रयुक्त बोधव्य शब्द जो है अंतर्भावित न्यर्थ है, इसकी सूचना वृत्ति में मम्मट स्वयं देते हैं। वो है बोधव्यः प्रतिपाद्यः। तो प्रति उपसर्ग पद धातु है, उसमें निच लगा हुआ है, प्रतिपादयितुम योग्यः प्रतिपाद्यः। तो प्रतिपाद्य शब्द में निच जो है, उस निच के द्वारा विवरण से इन्होंने सूचित किया कि बोधव्य शब्द भी अंतर्भावित न्यर्थ है। और काकू किसको कहते हैं, तो काकू ध्वनेः विकारः प्रस्तावः प्रकरणम्। अब अर्थस्य, तो अर्थ भी तीन है, तो वाच्य लक्ष्य व्यंग्यात्मनः कि वाच्यम लक्ष्यम व्यंग्यम च आत्मा स्वरूपम यस्य स वाच्य लक्ष्य व्यंग्यात्मा तस्य वाच्य लक्ष्य व्यंग्यात्मनः। माने वाच्य लक्ष्य व्यंग्य स्वरूपस्य अर्थस्य यह वर्तते अर्थांतर धी हेतु व्यापारः स व्यापारः व्यंजना उच्यते, वो है व्यंजना। तो इस प्रकार यहाँ इसको हम कह सकते हैं आर्थी व्यंजना का स्वरूप। ये एक ये प्रकरण समाप्त हुआ। अब जितने वैशिष्ट्य बतलाए गए हैं उनका उदाहरण एक एक करके इस उल्लास में दिए गए हैं।